हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने भेजा है। यह है, हाय दी, विल यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन लव मैरिज और अरेंज मैरिज, विच इज बेस्ट? आई नीड योर हेल्प। दीपिका जी ने ये क्वेश्चन भेजा है। तो इन माय ओपिनियन, अगर आप देखो, किसी भी तरह की मैरिज एक्चुअली एक अरेंज मैरिज ही होती है, करेक्ट? क्योंकि चाहे वो आपके पेरेंट्स अरेंज करें, चाहे एक वेबसाइट अरेंज करें, या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड्स अरेंज करें, या फिर हो सकता है कि किसी दिन पार्टी में दारू पी के शायद आप खुद अरेंज करें लेकिन किसी भी तरह की मैरिज एक्चुअली एक अरेंज मैरिज होती है, चाहे हमारे दिल ही क्यों ना अरेंज करें उसको, और दिमाग भी कभी कभी अरेंज करता है शादियों को। अगर आप देखें इंडिया में और बाकी कंट्रीज में जो डिवोर्स रेट्स हैं वो कितने हैं, तो लेट मी जस्ट टेल यू। तो लग्जमबर्ग जो है, वहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन वहाँ के डिवोर्स रेट्स हैं 87%। स्पेन इज 65%। हाँ, सब जगह लव मैरिजेस ही हुआ करती हैं। टर्की इज 22%, फ्रांस 55%, रशिया 51%, यूनाइटेड स्टेट्स 46% डिवोर्स रेट्स। लेकिन आपको पता है, इंडिया जहाँ पे अधिकतर ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस होती है, पता है यहाँ का डिवोर्स रेट कितना है? 1%। नाउ यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन, लाइक व्हाट इज बेस्ट। बहुत सारी कंट्रीज में तो ऐसे भी रूल होते हैं कि जब आपकी शादी होती है 2 साल से पहले आप डिवोर्स नहीं ले सकते हो। उसके बावजूद भी ऐसी पढ़ी लिखी जिनकी लिटरेसी रेट्स बहुत आए हैं, ऐसी कंट्रीज में भी स्टिल डिवोर्स रेट्स बहुत ज्यादा हैं। सो इवन लॉ कैन नॉट यू नो स्टॉप यू वंस यू आर नो मोर इन दैट रिलेशनशिप। लेकिन वहीं इंडिया में जहां अरेंज मैरिजेस इज लाइक अ नॉर्म ओवर हियर, यहाँ पे जो डिवोर्स रेट्स हैं वो बहुत ही कम है। इट डज टेल समथिंग अबाउट आर कल्चर, राइट? अब लव मैरिज का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भाग के शादी करनी है या अपने पेरेंट्स की सहमति के बिना शादी करो, इस काइंड ऑफ अ लव मैरिज। एक लव मैरिज भी अरेंज मैरिज में बदल सकती है, यू नो, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि व्हाई डू यू थिंक दैट यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। क्योंकि जो भी आपकी शादी, जो कि एक ऐसा बंधन है जो कि आपको जिंदगी भर निभाना है, मे बी आप उस एज में नहीं हो, मे बी आपका दिमाग उतना विकसित नहीं है, या फिर आपने इतनी दुनिया नहीं देखी है, करेक्ट? लेकिन आपके पेरेंट्स हमेशा आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको समझते हैं, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कि कितनी क्षमता है चीज़ों में एडजस्ट करने की। वो जब आपके लिए कोई ढूंढते हैं अरेंज मैरिज के लिए, या फिर जब आपके लिए दूसरे इंसान को परख रहे होते हैं, चाहे वो लव मैरिज में हो, उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि क्या हमारा बच्चा जो है वो अपनी जिंदगी प्रॉपरली व्यतीत कर पाएगा कि नहीं। तो इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे लोग जो हैं, जो आपका सबसे अच्छा चाहते हैं, सबसे भला चाहते हैं, वो लोग होने चाहिए जो कि आपकी मैरिज को अरेंज करें। वो ही हैं जो सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं, है ना? ऑफ कोर्स बहुत सारे ये शादियां इसीलिए भी होती हैं, शायद पैसों के लिए, या फिर जमीन के लिए, या स्टेटस, आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है, दैट्स टोटली योर ओपिनियन। मगर हमेशा लाइफ पार्टनर ऐसे लोगों की सहमति से चूज करिए जो कि आपको जानते हैं, पूछते हैं, दैट इज द एसेंस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक फोर्स्ड मैरिज में आपको रहना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है कि आप के पेरेंट्स ने या किसी ने भी जो अरेंज किया है मैरिज, भले ही आपका दिल ना मिला हो और आप उनसे शादी कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिल मिलने चाहिए, आपको वो इंसान अच्छा लगना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमें इंसान कैसा चूज करना है। एक ऐसा इंसान जो आपको रिस्पेक्ट करता हो। प्यार तो हो जाता है जब कोई अच्छे से बिहेव करता है हमारे साथ, हमेशा हमारा सपोर्ट बन के खड़ा रहता है, हमारी केयर करता है,
ऑफकोर्स उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो हमारी रिस्पेक्ट करे वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट जो है वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए। जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे अगर छोटे बच्चों के साथ भी आप रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, ऑफकोर्स वो भी उसी तरह से आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। सेम गोज फॉर योर पार्टनर, आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट होना चाहिए उसके लिए, उसकी उम्मीदों के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके इमोशंस के लिए, आप में काइंडनेस होनी चाहिए। देखो, दूसरों को देखने जाओ कि ठीक है ये इंसान ऐसा है, मे बी मैं इसको चेंज कर दूंगा, ऐसा क्यों सोच के चल रहे हो? अगर आप इस उद्देश्य से किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो कि हम इनको चेंज कर सकते हैं, जबकि वो आपको साफ साफ बता रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ, एंड यू डोंट लाइक द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट इज, और जो भी उसकी आदतें हैं, लेकिन फिर भी आप चूज करते हो उनके साथ रहना क्योंकि आपको लगता है ये चेंज हो जाएगा, नहीं, आई डोंट थिंक दैट इट इज द करेक्ट वे, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट लेके मत चलिए। कोई ऐसा इंसान होना चाहिए आपके साथ जो कि आपको अच्छे से समझ सके, आपकी चाहतें, आपकी उम्मीदें एक दूसरे से मैच करती हो, आप एक दूसरे के साथ बात कर पाए। अगर कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं है तो भी अगर आप दोनों साथ में हो तो बस काफी हो। अगर ऐसा रिलेशनशिप आपको मिले तो बस फिर लाइफ जो है वो आराम से कट जाती है, और फिर प्यार तो हो ही जाता है कि नहीं? और कभी भी शादी में ना बस यूं ही कूद जाना इज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू इन माय ओपिनियन, क्योंकि आप अगर समझ नहीं रहे हो किसी इंसान को और आप उससे शादी कर लेते हो तो आगे चल के क्या चीज़ें ऐसी हों जो कि यू नो पनपने लगें और फिर आपको लगे कि आह मैंने तो गलती कर दी, फिर देन इट्स नॉट द राइट टाइम टू रियलाइज दैट। तो इसीलिए पहले जो शादियां हुआ करती थी तो उसमें शादी हो जाती थी और कम से कम एक या दो साल बाद गौना होता था, कभी कभी तो पाँच पाँच दस दस साल बाद भी गौना हुआ करता था। तो एक्चुअली आपको एक जानने का मौका मिलता था कि मैं इस इंसान के साथ जिंदगी भर रह पाऊंगी कि नहीं, या रह पाऊंगा कि नहीं। तो दोनों की खुशी बहुत ज़रूरी होती है, लड़के की भी लड़की की भी, दोनों एक दूसरे के साथ निभा पाएंगे कि नहीं, तो ये जानने का भरपूर मौका उनको मिलता था। उसके बाद में जाके जो गौना होता था उसमें लड़की जाती थी, और उसके बाद भी उसको ये पूरा अधिकार हुआ करता था लड़की को कि अगर वो चाहे तो जाना कैंसिल कर सकती है। तो अब भी मैं कहूँगी कि अब तो बहुत मॉडर्न हो गया है ज़माना, अब आपके लिए उतने कंपल्शंस नहीं हैं, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि यू नो उनको क्या करना है, कौन सही है उनके लिए। मगर इसको समय दीजिए, एकदम से कूदिए मत डिसीजन में, समय दीजिए, जानिए, परखिए। कॉम्प्रोमाइजेस तो हर जगह होंगी, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, मगर ये देखिए कि हम उस रिलेशनशिप में क्या लेके आ रहे हैं, क्या हम खुश हैं। अगर हम खुश हैं, हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वी आर टोटली सेटल्ड, वी नो दैट वील बी एबल टू नर्चर द अदर पर्सन, हम उसका ख्याल रख पाएंगे, उसके लिए केयर कर पाएंगे। जब इस थॉट के साथ आप शादी के लिए जाते हैं तो आप हर जगह पॉजिटिवनेस ही रिसीव करेंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर हम खुश होते हैं ना तो ऐसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। वो कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने आप में ग्राउंडेड हो, खुश हो, हर चीज़ आपके लिए अच्छी चल रही हो, और आपको ये पता हो कि आप एक कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, आप किसी और को नर्चर करने के लिए तैयार हैं। जब आपको ये आभास हो जाए उस वक्त आप दूसरे से शादी करिए, किसी को प्रोजेक्ट बना के शादी नहीं करिए। और लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बलबूते पे खड़ी हो पाएं अगर वक्त आता है तो। उनकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ स्किल ज़रूर आनी चाहिए लड़कियों को, इसके पहले कि वो ये डिसाइड करें कि उनको शादी करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्टेबल हों, आप कंफर्टेबल हों, बहुत ज़रूरी है कि आप में वो कॉन्फिडेंस हो जब आप शादी कर रहे हो कि आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। मे बी आप जॉब करते हो, बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं कम से कम आपको ये पता हो कि
आगे जाके अगर कभी जरूरत पड़ती है हम अपना भरण पोषण खुद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन अच्छी है, कोई स्किल है जो कि हमें बहुत अच्छी तरह से आती है। ये चीज अगर आपके पास है आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। और प्यार बहुत जरूरी है, प्यार सिर्फ आप दोनों के बीच नहीं, दोनों परिवारों के बीच जो प्यार है वो बहुत जरूरी है। दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है कि लड़की का परिवार है तो उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और लड़के का परिवार है उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो जब सब इक्वल ग्राउंड पे होते हैं ना तो परस्पर जो एक शत्रुता होती है, दुराभास होता है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सबको ये पता होता है कि नहीं, वी आर लव्ड इक्वली। लेकिन जहां ये बात आ जाती है कि नहीं, हमको रिस्पेक्ट ज्यादा चाहिए, मतलब कि आप हमारी आवभगत करें, नहीं, अगर ऐसा होता ना जब, तब फिर मनमुटाव ज्यादा होते हैं, लोग ज्यादातर एंजाइटी फील करते हैं एक दूसरे से मिलने से पहले। एक दोस्ती होनी चाहिए, एक यारी होनी चाहिए दोस्तों के जैसी, जो इन लॉज होते हैं उनमें। सेम गोज फॉर द चिल्ड्रन टू, उनके साथ भी पेरेंट्स की इसी तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए। स्पेशली जब एक लड़की अपना घर छोड़कर किसी के घर में आती है तो उस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए, उस लड़की को एक्नॉलेज, उस परिवार को, उसको सब जगह आगे बढ़ाएंगे आप और उसको इम्पोर्टेंस जब आप देंगे, जिस तरह से शायद आप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को देते हैं, जब लोग इस तरह से करेंगे ना, अपने आप वो मायके की रहेगी नहीं, वो ज्यादा ससुराल की हो जाएगी। क्योंकि जितना प्यार आप दोगे वो ही आप अट्रैक्ट भी करोगे, जितनी रिस्पेक्ट आप दोगे उतनी ही अट्रैक्ट भी करोगे। इसीलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे ओपिनियन में, कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल प्यार, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ बात करना अच्छी तरह से, जोर से चिल्ला के, अपने ओपिनियंस को रख के नहीं, लेकिन एक सभ्यता के साथ अपनी बात बता के कि क्या चीज़ हमें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, और फिर दूसरे की बात पूरी तरह से सुनना, ऑब्जेक्टिफाई किए बिना या जजमेंट बनाए बिना और चीज़ों को दिमाग में रख के बिना। क्योंकि जब आप बहुत ही क्योंकि जब आप एक लेवल हेड के साथ में किसी से बात करेंगे और अपने ओपिनियंस को एक रिस्पेक्ट के साथ में बोलकर, रिस्पेक्ट के साथ उसके जवाब भी सुनेंगे, अपने आप से आप देखेंगे चीज़ें आराम से सॉर्ट आउट हो रही हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट बच्चों को ऐसा करना चाहिए, दैट इज़ तो आज के ज़माने में बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा जानते हैं हमारी पूरी पुरानी जनरेशन से। सेम गोज फॉर अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो शायद हमसे ज़्यादा जानते हैं जो हमारी जनरेशन चल रही है। तो उनके साथ में आप यू कैन नॉट बी कि हमने बोल दिया तो ऐसा ही होगा, यू कैन नॉट डू दैट एनी मोर बिकॉज देन यू आर जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम योर चिल्ड्रन। बाकी फिर प्यार तो हो ही जाता है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस पूरी बात में। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। और अगर कोई क्वेश्चन है इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा और मेरा ओपिनियन आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए। आई विल बी श्योर टू स्पीक अबाउट इट। थैंक यू, अंटिल वी मीट अगेन। नमस्ते।